जालंधर में एक बार फिर से लतीफपुरा मामले को लेकर माहौल पूरी तरह गर्मा गया है। वहीं लतीफपुरा में घरों को गिराए जाने का विरोध कर रहे लोग और किसान संयुक्त रूप से रैली निकालते हुए गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम की तरफ जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें कूल रोड पर ही बैरिकेडिंग कर रोक लिया, जिससे दोनों तरफ खूब गर्मा गर्मी हो गई और किसान वहीं सड़क पर लेटे नजर आए। लतीफपुरा मामले को लेकर किसान और लतीफपुरा वासी मोतीपुरा से गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम की तरफ पैदल और गाड़ियों में चल रहे थे। किसानों ने अपने हाथों में घर गिराए जाने के विरोध में काले झंडे भी थामे हुए थे। जैसे ही उनकी भनक पुलिस प्रशासन को लगी तो तुरंत कूल रोड पर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई, बैरिकेडिंग करके सारा रास्ता रोक दिया गया। वहीं पुलिस फोर्स ने किसानों को आगे आगे चल रही गाड़ी को भी धक्के देकर पीछे करवा दिया। आपको बता दें, किसान पुलिस अधिकारियों को कह रहे थे कि वे राज्यपाल से मिलना चाहते हैं, लेकिन पुलिस ने अधिकारियों ने कहा कि गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम होने के चलते वे उन्हें नहीं जाने दे सकते। कार्यक्रम के बाद आप राज्यपाल से समय लेकर मिल सकते हैं, लेकिन किसान कहने लगे कि उन्हें लतीफपुरा को लेकर राज्यपाल को मांग पत्र सौंपना ही है। इसी बीच पुलिस और किसानों में जमकर धक्का मुक्की भी हुई। एक किसान नेता इसमें बेहोश भी हुआ। इसके बाद किसान नहीं पर सड़क पर बैठ गए। देखना यह होगा कि लतीफपुरा मामले में इन लोगों को कब तक इंसाफ मिल पाता है। देखिए जालंधर से हर्ष कुमार की रिपोर्ट। प्रशासन ते सरकारां नूं पुछना चाहुंदे आ कि साडे लोकां दा इह लतीफपुरा वासियां दा संविधान कित्थे आ, इन्हां दे संविधानक हक कित्थे आ, इहदे विच दो दो वारी पैरोलां मिल जांदियां, उहनां दा संविधान कित्थे आ, उदों तुहाडा संविधान की करदा वा, क्योंकि जो हुण इस जमीन दे टुकड़े दी कीमत वध गई आ, तां करके जिहड़ी धरती आ उह मनुख दे रहिण वास्ते ही हुंदी आ। पंजाब सरकार मर्दापुर मार मार के।
ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ